मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े एक लड़की को उठाकर ले जाने का सीसीटीवी सामने आया मामला। हियापुर थाने में महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित दादा रोड की है, जहां वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक लड़की फोन पर बात करते हुए सड़क पर जा रही है। तभी एक कार पास आकर रुकती है। गाड़ी को देखते ही लड़की भागने लगती है। तभी कार से दो लोग उतर कर जबरन उसे पकड़ते हैं और खींच कर गाड़ी में बिठा कर अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी के द्वारा थाने में गायब होने की शिकायत नहीं आई। पुलिस स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के सीसीटीवी को खंगालते हुए कार के नंबर का पता लगा रही है। वायरल हो रहा था उसका सूचना पर हम लोग ही पीओ पर पहुंचे थे। पीओ पर पहुंचने के बाद वहां कुछ लोगों ने बताया कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई थी उजला रंग की और एक महिला को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा करके ले जाया गया। महिला कुछ विरोध कर रही थी और कुछ उन लोगों को जो ले जा रहा था उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे, इस तरह की बात आई थी। स्विफ्ट डिजायर का गाड़ी का नंबर भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला था। इसके आधार पर जब उसका छानबीन किया गया और पता लगाया गया तो पता चला कि संभूता और राय थाना क्षेत्र का एक मामला है। वहाँ पर एक पूजा और पूजा नाम की लड़की है, चंदा नाम का लड़का है। संभूता गांव के रहने वाले थे। इन लोग अपना लव मैरिज किए थे और शहबाजपुर में मुजफ्फरपुर में लोग रह रहे थे। टीचर का काम करते हैं उनके पति। तो कुछ आपसी अनबन इन लोग का हुआ था। इसी में पत्नी घर से निकल गई थी घूमने के लिए और दादर की तरफ जा रही थी और उनके पति जब खोजते हुए वहाँ पहुँचे मिले तो उनको गाड़ी में बैठा के फिर घर ले गए हैं। पत्नी का बयान लिया गया। पत्नी बताया कि अनबन हुआ था और हम लोग के बीच में ऐसा कोई विशेष कोई झगड़ा फसाद की बात नहीं है या कोई घटना दुर्घटना की बात नहीं है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर साहू पोखर पूजा समिति के द्वारा साहू पोखर पर की गई गंगा महाआरती। ढोल मृदंग डमरू और झाल के साथ जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे से गुंजायमान हुआ वातावरण। पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि हर माह साहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा की पूजा अर्चना और महाआरती की जाती है। पंडित आचार्य जय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा और भगवान शिव की षोडशोपचार पूजा कराने के तदुपरांत भोग लगाकर धूप दीप से आरती कराई। आज का पूर्णिमा आरती विशिष्ट है क्योंकि भगवान विष्णु आज के दिन क्षीर सागर अर्थात गंगा में निवास करते हैं और आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती भी है, इसलिए आज के दिन जब तब पूजा और दान का विशेष महत्व है। वहीं पूजा के माध्यम से हम लोगों ने नदी तालाब तथा कुआं पोखर को स्वच्छ रखने का संकल्प किया। हर जल में गंगा का वास है, इसलिए इसकी स्वच्छता और इसके प्रति श्रद्धा हमारी प्राथमिकता है। देखिए, हर महीने साहू पोखर पर पूर्णिमा को लेकर गंगा महाआरती की जाती है और आज का पूर्णिमा वैसे भी अति विशेष है। आज भगवान विष्णु क्षीर सागर अर्थात गंगा में निवास करते हैं, इसलिए आज गंगा स्नान और स्नान का बहुत ही महत्व है। इसी के लेकर हर महीने हम सब जो पूर्णिमा को आरती करते उसी के तहत लेकर आज माघी पूर्णिमा को लेकर आज साहू पोखर पर गंगा महाआरती की गई, गंगा जी का पूजा अर्चना किया गया, भगवान शिव की आराधना की गई और जगत कल्याण की कामना के साथ माँ गंगा का सबको आशीर्वाद स्नेह प्यार मिले, सब बाबा भोलेनाथ का सबों को आशीर्वाद मिले, सभी लोग निरोग रहें स्वस्थ रहें इसी की कामना गई। इसी तहत के लेकर आज साहू पोखर पर